तो यार अभी तक सीन क्या है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो है हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, और आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो एक पार्ट से, सिस्टम के एक पार्ट से किसी भी दूसरे पार्ट तक। मतलब हमने क्या पढ़ा है अभी तक, या ये हमको पता है कि जो हीट है, ठीक है, जो हीट है वो किसका फॉर्म होता है भाई? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो सिस्टम के वन पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक, दैट इज अदर पार्ट तक। और ये ट्रांसफर तभी हो सकता है जब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस। भाई यही तो पढ़ते आ रहे हम, टेम्परेचर रेज करना है, कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, पार्ट वन में यही हमने कुछ पढ़ा था। यस और नो? यस यस सर, अब यहाँ पर यस हमको सर, पढ़ना है, ये जो पार्ट टू है यहाँ पर हमको पढ़ना है हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे ट्रांसफर होती है। और ध्यान रखना है तभी ट्रांसफर हो सकती है जब क्या होता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस। तो अब ये जो हीट का ट्रांसफर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और आई कैन से दैट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ये तीन तरीके से हो सकता है, तीन मेथड से हो सकता है। हीट का जो ट्रांसफर है ये तीन मेथड से हो सकता है। वो तीन मेथड्स क्या है हमारे पास? वो तीन मेथड्स हैं हमारे पास, पहला मेथड है कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन, और तीसरा मेथड है रेडिएशन। अब हमें समझना है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है। ये समझ आया कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन क्या है, हीट ट्रांसफर के तीन क्या है मेथड। यस और नो? सबको समझ आ गया? यस सर, यस सर, अब जो कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई गेस ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मान लो एक रो है, उस रो में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बंदे खड़े हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ ये लोग खड़े हैं इस रो में, इसको नंबर वन हमने दे दिया, दो तीन चार पाँच छः, कुछ ये लोग खड़े, मैंने इनको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, एक और काउंट कर लेते हैं 7। अब लेट से मैंने इस नंबर वन वाले इंसान को कोई बॉल दी, ठीक है, मैंने इसको कोई क्या पकड़ाई, कोई बॉल पकड़ाई, और मैंने बोला कि यार तेरे को इस बॉल को इस बंदे को पहुंचाना है, इस बंदे के पास पहुंचाना है, 7 नंबर वाले के पास पहुंचाना है। तो ये बॉल जो है, ये जो फर्स्ट वाला बंदा है, ये वाला इस 7 वाले के पास बॉल को पहुंचाएगा, तो इसके पास ये तीन तरीके से पहुंचा सकता है। और वो तीन तरीके क्या है? सबसे पहला तरीका कि ये पहली बार, मतलब ये बंदा ये बॉल को पहले सेकंड वाले को दे, फिर सेकंड वाला किसको दे? थर्ड वाले को, फिर थर्ड वाला किसको दे? फोर्थ को, फोर्थ किसको दे? फिफ्थ को, फिफ्थ किसको दे? सिक्स को, सिक्स किसको दे? सेवेंथ को। ऐसे पहुंच सकती है एक बॉल, ये बॉल वन एक से सात के पास। यस और नो? यस यस सर, यस मैंने सर, क्या बोला, तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या, जिस तरीके से मतलब ये बंदा पहला वाला किसको, पहल जो फर्स्ट है वो सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, फिफ्थ सिक्स को, सिक्स सेवन्थ को। तो पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अभी दूसरे तरीके की बात करते हैं। अब दूसरा अच्छा बाय द वे, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं, इस वे को हम लोग बोलते हैं क्या, संघनन। अभी पता चलेगा कि कंडक्शन कैसे होता है। तो यू विल गेट टू नो कि कंडक्शन क्यों बोला जाता है इसको। नाउ सेकेंड वे देखते हैं कि सेकेंड वे क्या होता है। अब देखो पहला तो तरीका समझ आ गया भाई, पहला बंदा दूसरे को बॉल देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तीसरा चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को, छठे सातवें को, इस तरह से देगा। अब सेकेंड वे ये हो सकता है कि जो पहला बंदा है ये पर्सनली जाए और लास्ट स्टूडेंट को, मतलब ये यहाँ से पर्सनली जा रहा है और ये जो लास्ट बंदा है इस लास्ट बंदे को बॉल हैंड ओवर कर रहा है। पहला सीधा सेवेंथ के पास जा रहा है और वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हो जा रहा है। एक ये भी तरीका हो सकता है। यस और नो? यस, मैंने क्या बोला, ये पहला वाला पर्सनली जाए, जाए वर्ड बोला है मैंने, ये वर्ड का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जाए और सेवेंथ वाले को बॉल देके वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है, तीसरा तरीका, अब तीसरे तरीके में क्या होता है कि जो फर्स्ट बंदा है
ये डायरेक्टली बॉल को थ्रो कर दे इसके पास, मतलब यहीं पे खड़ा होके बॉल को फेंक दे सीधा इसके पास, क्या इसको अपनी जगह छोड़नी पड़ी? इसको अपनी जगह छोड़नी नहीं पड़ी, मतलब ये बॉल को डायरेक्टली थ्रो कर रहा है, कैसे थ्रो कर रहा है? विदाउट लीविंग इट पोजीशन, यस और नो? यस सर। ये जो तरीका होता है, इस तरीके को अपन नाम देते हैं किसका? इस तरीके को अपन नाम देते हैं रेडिएशन का। तो अब आती है डेफिनेशन की बारी। तो यहां पर आता है फर्स्ट टॉपिक सेकेंड पार्ट का, दैट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट को ट्रांसफर करने के कितने तरीके होते हैं। तो ये तो आपको शायद समझ आ ही गया होगा, तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कंडक्शन। अब जरा लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि कंडक्शन होता क्या है। देखो जरा, अभी आपको डेफिनेशन पढ़ते ही समझ आ जाएगा जो मैंने एग्जांपल दिया था। तो इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये एक तरीका है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है। अच्छा, कैसे होता है? ये पहला दूसरे के पास जा रहा था, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, छठा सातवा। मतलब क्या है? एक पार्टिकल, भाई एक बॉडी में पार्टिकल्स होते हैं, तो पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट करता है, दूसरा तीसरे को हीट करता है, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को, छठा सातवें को। तो इस तरह पहले पार्टिकल से हीट लास्ट पार्टिकल तक पहुंच जाती है। यही तो हुआ? यस सर। ठीक है, लेकिन क्या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अपनी जगह से? नो सर, नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे खड़े। तो इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और कैसे होता है ये? फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। और प्लीज ये ध्यान रखना, हीट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, विदाउट एनी, और कोई मूवमेंट हो नहीं रहा तो विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जरा। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, लेट्स सपोज आप स्पून लो, स्पून का एक एंड गर्म करो, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा स्पून का दूसरा एंड ऑटोमेटिकली गर्म हो गया। होता है? यस सर। बोलो। तो ये जो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है किसका? कंडक्शन का। क्या पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। पहले पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को हीट किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, सिलसिला चलता रहा। और किस डायरेक्शन में हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। जो हिस्सा ठंडा है, मतलब हाई से लो की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है। तो आप स्पून का एक एंड गर्म है, दूसरे एंड तक हीट ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ रॉड या मेटल रॉड, सॉरी, कि जब हम मेटल रॉड का एक एंड को क्या करेंगे? हीट करते हैं, तो इट बिकम्स हॉट। ये दूसरे हिस्से से भी क्या हो जाएगी? एट द अदर एंड। यस और नो? यस सर। तो ये जो एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है? कंडक्शन के एग्जांपल है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ मैं, बाकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा, मैं रीजन बता दूं क्या होता है। देखो, होता क्या है कि जब आप किसी क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी मेटल के एक हिस्से को हीट करते हो,
तो जो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैं इसको जरा यहाँ पे समझाता हूँ कि जब आप किसी भी एक हिस्से को हीट करते हो मेटल रॉड के, तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, कौन है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी उस दूसरे एंड पर, सॉरी क्या बोलते हैं, एट द हॉटर एंड, मतलब जो गर्म वाला हिस्सा है उस एंड पर जो भी उसके एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड. अब क्यों करते हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट, इसका आंसर मिलेगा आपको इस चैप्टर की पहली क्लास में, ठीक है. तो भाई इस चैप्टर की पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी चीज को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो याद है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. यस और नो? पहली क्लास में. यस सर. तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, और जब ज्यादा एम्पलीट्यूड से ट्रांसफर करेंगे, सॉरी वाइब्रेट करेंगे, तो वो जो डिस्टर्बेंस होती है वो डिस्टर्बेंस नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाती है. वो जो डिस्टर्बेंस होती है वो नेक्स्ट पार्टिकल को क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है. मतलब एक पहला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगा, इसके कॉन्टेक्ट में दूसरा पार्टिकल है. कर्सर पे ध्यान देना जरा, ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है तो इसको डिस्टर्ब करेगा, तो ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से डिस्टर्ब होने लगेगा. इस तरह से हीट एक पार्टिकल से दूसरे लास्ट वाले पार्टिकल तक पहुंचती है. तो ये होता है कंडक्शन, ठीक है. ये रीजन होता है मतलब कंडक्शन का. खैर वो पूछेगा नहीं आपसे कभी एग्जाम में, जो बस मैंने बता दिया है. और प्लीज ध्यान रखना जितने भी सॉलिड्स हैं, ऑल सॉलिड्स आर जनरली हीटेड बाय कंडक्शन. जितने भी सॉलिड्स हैं उनको आप किस वे से हीट करते हो, कौन से मेथड से हीट करते हो सॉलिड्स को, दे आर हीटेड बाय कंडक्शन. अब आता है भाई कन्वेक्शन. तो कंडक्शन क्लियर हो गया सभी को, कंडक्शन क्या होता है? यस सर. यस सर. यस सर. कन्वेक्शन में भी स्टार्टिंग की वही बात, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एक तरीका है जिससे हीट ट्रांसफर होगी, कहां से, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ. अब यहां पर एक वर्ड है ये मीडियम, टू अनदर पार्ट, टू अनदर पार्ट बाय द. अब आगे जरा कंप्लीट करते हैं कैसे. सेकेंड में हमने क्या देखा था, ये पहला वाला बंदा पर्सनली जाके सेवेंथ वाले पार्टिकल को या सेवेंथ वाले पर्सन को बॉल दे रहा था, ये तो हमने देखा था. ये फर्स्ट वाला बंदा सेवेंथ वाले पर्सन को जाके या सेवेंथ वाले पर्सन को जाके, ये जो फर्स्ट पर्सन था ये सेवेंथ वाले पर्सन को जाके पर्सनली बॉल देकर आया था. यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. मतलब क्या हुआ, डोंट यू थिंक सो कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट हुआ है पार्टिकल का? भाई वही तो एग्जांपल दिया मैंने. यस और नो? और कौन से पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट ऑफ, जो पार्टिकल के पास बॉल है, मतलब जो पार्टिकल क्या है, हीटेड पार्टिकल है. तो इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मीडियम. ये थोड़ी देर में समझ आएगा मीडियम वर्ड क्यों डाला हमने यहाँ पे, टू अनदर पार्ट, ठीक है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट, by the actual movement of heated particle, ठीक है, of the medium. Definition clear हुई सभी को? Example, मुझे ऐसा मतलब hopefully example से आपको relate कर पा रहे हो, examples को काफी सही से. Yes or no? Yes sir. अब ध्यान रखना ये जो convection है ये दो तरीके का होता है, ठीक है. इट कैन बी, ये तो या तो फोर्स हो सकता है, मतलब फोर्स्ड हो सकता है कि जबरदस्ती हीट, मतलब जबरदस्ती पार्टिकल्स को हीट किया जा रहा है, और नेचुरल कन्वेक्शन हो सकता है. तो मैं एग्जांपल्स आपको दे दूंगा, मतलब अभी जब एंड में लिखूंगा इसको तो मैं एग्जांपल्स दे दूंगा कि फोर्स कन्वेक्शन के एग्जांपल्स क्या है. होता है नेचर में, हमारे आसपास होता है, इवन हमारी बॉडी में जो कन्वेक्शन होता है ना, मतलब जो ब्लड फ्लो करता है वो कन्वेक्शन के थ्रू करता है और वो फोर्स होता है.
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बायोलॉजी जिसके पास होगी शायद उसको पता होगा इस बारे में। अच्छा एग्जांपल की बात करते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है, पहले जरा उस पे आते हैं। देखो होता क्या है, लेट्स सपोज मैं वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि आप पानी गर्म कर रहे हो। अब आप पानी गर्म करने बैठे तो होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा मैं वैसे पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, जब मैंने आपको आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट शायद से बताई है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जब हम लोग पढ़ रहे थे शायद मैंने तब बताया था कि क्या होता है कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो हीट हो जाते हैं वो हीट होकर हल्के हो जाते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी, याद है ग्राफ भी था वहाँ पे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में ग्राफ था जब मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ रहा है कुछ ऐसे करके कुछ था। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी आप लिक्विड को, वर्ड ध्यान से सुनना, लिक्विड को, मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा, I'm talking about a liquid. तो जब भी आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो उसके पार्टिकल्स हीट होकर हल्के हो जाते हैं, और हल्के हो जाते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं। तो जो ठंडे पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो कहाँ जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं, फिर वो हीट होते हैं, फिर वो हीट होके ऊपर हो जाते हैं। तो इस तरह कोई भी लिक्विड हीट होता है। तो ये कौन सा हो गया, मैंने क्या बोला, जो पार्टिकल्स ठंडे हैं, मतलब जो लाइटर पार्टिकल्स है, सॉरी जो पार्टिकल्स गर्म हो गए, हीट हो गए, वो हीट होकर कहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए ना, मतलब पार्टिकल्स का क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, हीटेड पार्टिकल्स का मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट हुआ ना यार मीडियम में। ये एग्जांपल है इसका, मैं इसी एग्जांपल को लिख देता हूँ जरा, कि व्हेन वी हीट अ लिक्विड, when we heat a liquid in a flask, जब हम किसी भी फ्लास्क में लिक्विड को हीट करेंगे, the particles of liquid at the bottom get heated, particles of liquid bottom get heated and becomes lighter. तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के जो बॉटम पर हैं वो हीट हो जाएंगे और हल्के हो जाएंगे और राइज अप हो जाएंगे, एंड द कोल्डर पार्टिकल्स फ्रॉम अबव, जो ऊपर वाले ठंडे पार्टिकल्स हैं, और जो कौन से टेम्परेचर पर होंगे, लोअर टेम्परेचर पर, एट लोअर टेम्परेचर बींग हैवी ठीक है कम डाउन टू गेट सम हीट। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए है, ये जो एग्जांपल है ये बता किसका, नेचुरल कन्वेक्शन का। और नेचुरल कन्वेक्शन में ध्यान रखना जो ग्रेविटी है वो अपना रोल प्ले करती है, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से तो ये नीचे आ रहे हैं ना, बिकॉज जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ये जो भी लिखा है, एंड द कोल्डर पार्टिकल्स फ्रॉम अबव एट लोअर टेम्परेचर बींग हैवी कम डाउन, प्लीज ध्यान रखना नेचुरल कन्वेक्शन में, ये नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है जो मैंने लिखा है आपके सामने। और इसमें किसका रोल है, यहाँ पे ग्रेविटी का रोल आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। और बाय द वे क्लियर हुआ सभी को ये? Yes, sir. और मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं लाइक क्या बोलते हैं इसके नेचुरल कन्वेक्शन के, तो नेचुरल कन्वेक्शन एक तो मैंने लिख दिया है, आप लोगों ने सी ब्रीज मतलब जो समुद्र में हवा होती है के बारे में सुना होगा, जो मतलब ठंडी हवा वगैरह इस तरह से, और एक होता है आपका ट्रेड विंड करके। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल कन्वेक्शन के। बात करें फोर्स कन्वेक्शन की तो ये हम बिल्कुल वाकिफ हैं इससे, फोर्स कन्वेक्शन से। फोर्स कन्वेक्शन की बात बोली जाए तो फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, मैं बता दूँ वैसे कि फोर्स कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं ना मीडियम के,
उनको हम फोर्स करते हैं मूव करने के लिए, और फोर्स कैसे करते हैं, बाय अ पंप और एनी एक्सटर्नल सोर्स उससे। या एग्जांपल की बात करूं जैसे, तो जो हमारा ह्यूमन, मतलब जो हम लोगों का क्या बोलते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपको पता है ना, जो ह्यूमन ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है बॉडी में। yes, तो यस, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। और कौन पंप करता है ब्लड को, कौन पंप करता है ब्लड को, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है। तो ये है एक एग्जांपल आपका फोर्स कन्वेक्शन का। या जैसे आपके कूलिंग सिस्टम्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल इंजन्स में, ये भी एग्जांपल है फोर्स कन्वेक्शन का, कि उनको फोर्स किया जाता है, जो इंजन है वो एक पंप की तरह काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ जरा, कूलिंग सिस्टम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, देखो मैंने इसमें जिक्र किया था कि किसी लिक्विड को आप हीट करते हो, तो प्लीज ध्यान रखना जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स का मतलब कौन कौन, दैट इज लिक्विड्स एंड, भाई फ्लूइड का मतलब क्या, जो चीज फ्लो सकती है, यस और नो, यस सर, इनको हम हीट करते हैं, किससे हीट करते हैं, आर हीटेड बाय, दे आर हीटेड बाय कन्वेक्शन। जितने भी आपके फ्लूइड्स हैं ये हीट होते हैं कन्वेक्शन। तो ये था कंडक्शन कन्वेक्शन। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज रेडिएशन। ओके, एग्जांपल पे आते हैं जरा वापस से। तो एग्जांपल में मैं आप, थर्ड एग्जांपल ये था, ये बंदा डायरेक्टली थ्रो कर रहा है, क्या अपनी जगह को छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा, तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सन है, अब सन तो हम तक हीट ट्रांसफर कर ही रहा है ना, यस सर, ठीक है, क्या वो अपनी जगह को छोड़ रहा है सन, क्या वो अपनी जगह को छोड़ रहे हो, नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हो जाएगा किसका, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। तो कुछ मिलता जुलती ही डेफिनेशन इसकी भी, तो इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, ठीक है, मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, अच्छा मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये लिखेंगे विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट। अब किसका मूवमेंट है, सॉरी किसका एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ, ना तो सोर्स का कोई मूवमेंट है और ना ही जो हीट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है उसका। और साथ के साथ ध्यान रखना, एंड ऑल्सो विदाउट द क्या बोलते हैं इसको, विदाउट, एंड ऑल्सो विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, तो क्लियर हुआ रेडिएशन क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख देता हूँ मैं जरा, ये जो भी बताया था वही एग्जांपल है इसका, कि हीट फ्रॉम सन कैसे आती है हमें, कम्स टू अस रेडिएशन। होपफुली क्लियर हुआ होगा। या जब आप फायर के पास पास खड़े होते हो तो हमें गर्म, मतलब हॉट फील होता है, क्यों, क्योंकि हीट हम तक आ रही है रेडिएशन के थ्रू। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कुछ जरा पहले नॉलेज की बात है,
एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो पॉइंट क्या है कि मरकरी जो है, मरकरी हालांकि क्या होता है, एक लिक्विड होता है, दैट इज एक फ्लूइड होता है. चैप्टर 11 में, सॉरी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है ना हमने ये, मरकरी लिक्विड होता है. तो मरकरी तो लिक्विड, तो मरकरी लिक्विड है तो उसको कन्वेक्शन से हीट करना चाहिए, लेकिन वो हीट होता है हमेशा कंडक्शन से. तो ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, बोल मार्क करो मैं इसको. तो मरकरी तो लिक्विड इज हीटेड बाय कंडक्शन, ठीक है. मतलब मरकरी जो एक लिक्विड है उसको कंडक्शन से हीट किया जाता है, नॉट बाय कन्वेक्शन. और चीज और जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर, इनको कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए. रिक्वायर सम मटेरियल, सॉरी मटेरियल नॉट मीडियम, रिक्वायर सम मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट, रिक्वायर सम मटेरियल एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. मतलब हीट को ट्रांसफर कराने के लिए इनको कोई मीडियम चाहिए, एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन के ऊपर, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज ध्यान रखना. अच्छा कुछ एक दो बातें बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है रेडिएशन का, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है. तो जो हीट एनर्जी फॉर्म होती है रेडिएशन, जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है रेडिएशन से, उसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. ये कुछ नॉलेज के लिए आपको बातें बस बता रहा हूँ मैं. क्या बोल रहा हूँ कि जो हीट क्या बोलते हैं इसको, जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, लिख ही देता हूँ, दो मिनट का काम है. जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है. ध्यान रखना इसको किसी मीडियम की जरूरत, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. और जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, किससे हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, रेडिएशन से, इसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. और जितनी भी बॉडीज हैं, ठीक है, जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैस हो, जितनी भी बॉडीज हैं वो ध्यान रखना क्या एमिट करेंगी, वो एमिट करती हैं रेडिएंट एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी मतलब जो एनर्जी रेडिएशन वाली होती है, ठीक है. कौन सी एनर्जी इमिट करेंगी, वो रेडिएंट एनर्जी इमिट करती है. रेडिएंट एनर्जी मतलब क्या, लिख देता हूँ यहाँ पे जरा, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई रेडिएशन. तो जितनी भी बॉडीज, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो क्या हो आपका, गैस, ठीक है, ये सारी बॉडी, क्योंकि ये टॉपिक ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिल्डअप करेगा ये पॉइंट. तो जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो क्या इमिट करेंगी, रेडिएंट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन से इमिट करेंगी. कब, जिसका टेम्परेचर जो है वो बड़ा होगा कितने केल्विन से, जीरो केल्विन से. और जो रेडिएंट एनर्जी जो इमिट करती है कोई भी बॉडी, ये डिपेंड करती है मेनली तीन फैक्टर्स पे. सबसे पहले उसका टेम्परेचर कितना है, बिकॉज तभी इमिट कर पाएगी जो उसका जब उसका टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज्यादा होगा. सेकेंड, डिपेंड करती है नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस पे. आगे हम पढ़ेंगे, आगे जाके ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. तो नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, और तीसरा होगा इसका एरिया, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस की एरिया कितना है. और ये सब हमको दिखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में. आप लोगों ने सुना है इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल, कुछ इस तरह से. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब हमें फिर इस फॉर्म में दिखते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब अलग अलग वेवलेंथ नजर आती है हमें, ठीक है. तो ये होती है आपकी रेडिएशन.